200 million viewership. That's it. Thank you. और मैम, करण कुंद्रा जी के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि जो भी जेलर बना है. कुंद्रा जेलर बना है और अच्छी बात हो गई. एंड ही इज माय वेरी डियर फ्रेंड. सो आई एम वेरी सैड फॉर हिम. बट या करण तेजू के जोड़े के बारे में कुछ बताओ. करण और तेजू चली बाय. मैम भाई अंकिता जी, अंकिता जी, अंकिता जी, अभी क्या? अभी मैं इतनी देर से खड़ी थी. मैम थोड़ा मैम प्लीज स्टाइल. मैम मैं वापस आ रही हूं. मेरे चेंज हो रहा है लुक. चेंज जाना है इससे पे, फिर मैं आती हूं वापस. ठीक, चेंज करके आ रही हूं. तैयार हो दे, फिर वेट कर. गुड़ी पाड़वा के दिन में आप ब्लॉग कब आए हो? इट इज़ अ फर्स्ट गुड़ी पाड़वा आफ्टर मैरिज, सो क्या कुछ है आज? काफ़ी स्पेशल दिन है आपके लिए. आई थिंक हर साल स्पेशल होता है, लेकिन ये साल सच में बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरा पहला गुड़ी पाड़वा है विकी के साथ. और बस अच्छा ही लगता है. कोई ओकेजन होता है, कोई फंक्शन होता है, कुछ फेस्टिव माहौल होता है, तो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई सेलिब्रेट एवरीथिंग. एंड इस बार विकी के साथ है तो और अच्छा. Okay, so today you have came here for lockup set. And Kangana ma'am के साथ तो आपकी बहुत पुरानी दोस्ती है, एकता मैम के साथ तो हमको सब पता है, तो क्या कुछ कहना चाहो? कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो अंदर जाने के लिए? मुझे हमेशा शूटिंग पे जब भी मैं जाती हूँ, मैं हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि ये पार्ट ऑफ मी है कहीं ना कहीं ना. ऑलवेज फील वेरी गुड. बट ऑफकोर्स बालाजी के सेट पे वापस आना और लॉकअप के लिए शूट करना और साथ में कंगना का वहाँ होना, सो इट्स ऑल अ मिक्सचर ऑफ गुड थिंग्स. तो आई एम वेरी श्योर कंगना की एनर्जी इतनी अच्छी है और यू नो उसमें मैं भी साथ में अगर उनका साथ दूंगी तो आई डोंट नो आज क्या होने वाला है सेट पे. आई थिंक आज सच में कुछ बैडास चीज़ें हो सकती है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंड आई एम रियली होपिंग कि लोगों को ये एपिसोड देख के बहुत मज़ा आए. जेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेंट लॉक्ड अप है, कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको फेवरेट हो? मुझे निशा बहुत अच्छी लगती है. आई थिंक वो हमेशा अपना एक स्टैंड लेती है. निशा को मैं जानती हूँ पर्सनली. मुझे पायल भी बहुत अच्छी लगती है. मुझे वो सारी लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं जो अपने लिए स्टैंड लेती हैं, फिर चाहे लोगों को बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन वो अपने लिए बोलती ज़रूर है. सो आई थिंक वो मुझे दोनों बहुत अच्छी लगती है. एंड करण वीर बोरा हैज़ बिन अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. सो आई थिंक करण अब नहीं है और तो उनके बिना अधूरा लगता है लॉकअप. लेकिन आई रियली होप कि जो भी अपने लिए अच्छे से स्टैंड ले और अपने लिए जो बोल सकते हैं वो उनको ऑडियंस उनका साथ दे. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी यू एज अ जेलर और लाइक आई एम गोइंग देयर एज अ आपको देखकर पता करना करते हैं. ओके, सो करण कुंद्रा भी जेलर बने थे, क्या कुछ कहना चाहोगे? करण कुंद्रा मेरा बहुत पुराना दोस्त रहा है और यू नो मैंने कभी उनको इतने स्ट्रिक्ट देखा नहीं है, तो वो जिस तरीके से गुस्सा करता है, गुड गोइंग करण. आई थिंक रियली ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. एंड वो जिस तरीके से सबको हैंडल करता है, इट्स नॉट ईजी टू कैदी को इस तरीके से हैंडल करना, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से एक सेलिब्रिटी है. एंड किसी को भी नहीं यू नो किसी के नीचे दबकर बात करना अच्छा लगता है, लेकिन करण जिस तरीके से हैंडल कर रहा है, इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई विश हिम ऑल द गुड लक. क्या आने वाले समय में हम लॉकअप में आपको एज अ कंटेस्टेंट देख पाएंगे? नहीं, आप मुझे ऐसा नहीं देख पाएंगे. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इज देयर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट वुड यू लाइक टू शेयर? अभी हम सिर्फ लॉकअप की बात करते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ लॉकअप में जाने के लिए रेडी हुई हूँ. थैंक यू. थैंक यू.